राम का नाम लिख करके पत्थर तैरे। राम जी ने विचार किया कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहे, हम देख लें अपने हाथ से तैरा कर, लेकिन सबके सामने अगर करेंगे कहीं डूब गया तो नाक कट जाएगी। राम जी समुद्र में एक कोने में गए, राम जी के पीछे एक ही जने चला, हनुमान जी होंगे। तो राम जी तो बड़े छिपकर गए, लेकिन हनुमान जी भी छिपके पीछे पीछे। राम जी समुद्र के किनारे आए, राम जी ने पत्थर लेकर जैसे ही समुद्र में डाला सो डूब पड़ गया। राम जी ने अगल बगल देखा कोई नहीं है, चलो कम से कम नाक बच गई, लोगों तो डूब पड़ गया। लेकिन इतने में हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंके, आप हनुमान जी तुम कहाँ? हनुमान जी बोले आप जहाँ हम वहाँ। तो राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ, देखा तो नहीं कुछ? हनुमान जी बोले कुछ छोड़ा ही नहीं। राम जी बोले ये पत्थर वाला भी देखा? बोले गौर से है। राम जी बोले हनुमान जी सुनो, किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले हम तो कथा गागा कर बताएंगे। तुम अगर कुछ बनना चाहते हो तो ये तो तुम आज से सोचना ही बंद कर दो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। चाहे तुम पॉलिटिकल हो, या आप कोई राजनेता हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, या आप कोई विद्यार्थी हो, आप आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बगल का रोल नंबर वाला कर पाएगा, ये तुम्हारी भूल है। और तुम उससे बेस्ट कर सकते हो, तुम अपने गांव में बेस्ट आ सकते हो, तुम अपने शहर में, तुम अपने स्कूल में, तुम अपने प्रदेश में बेस्ट आ सकते हो, बस करने की चाह हो।